हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू अवर चैनल। मैं हूँ नेहा। कैसे आप सब? तो आज हम देखने जा रहे हैं अ डे विद नाजायज बाय, और ये वीडियो है बाय हर्ष बेनीवाल। तो इसका हमने स्टार्टिंग में थोड़ा पार्ट देखा हुआ था और भी बहुत कुछ बचा हुआ है। तो हमने कल ये इस पॉइंट पे स्टार्ट किया था, सॉरी एंड किया था कि वो जब नाजायज खान जब जेल में थे वो कैसे थे, लाइक राजा एंड ऑल दैट थिंग्स। वो उसके बाद वाला वीडियो विद इट, सो लेट्स सी हाउ दिस वीडियो इज गोइंग टू बी। चल गए देखते हैं। ये क्या है? ये क्या है भाई यार? ता, चल वाह, बाथरूम में साबुन गिर गया है, उठा आके। उठाओ जाओ। हाँ थोड़ा झुक के उठाइयो। ए भाई, ए प्लीज भाई, हम मोची लोग हैं भाई, हमको छोड़ दो प्लीज। वैसे भी मैं आपके गाड़ नहीं देता हूँ, आपका सामान गंदा हो जाएगा भाई। आई लाइक की डर्टी। ए लाओ क्या लाओ भाई। ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं, ए नहीं। बहुत अच्छा राजा। खाना लग गया भाई, आके खा लो, ये बोल रहे लाऊं मैं। हाँ भूख भी लग रही है। हाथ धो लेता, साबुन मिल जाए। कोई साबुन नहीं है, काय बात के लिए साबुन चाहिए, थूक से साफ कर ले। नहीं है साबुन, मालूम है मेरे को साबुन काय को चाहिए, क्या करना चाहता है साबुन के बहाने। नहीं है साबुन, लड़ना मेरा नहीं देंगे। सुनना इधर लौडू, ये फ्लैशबैक वाले को कट मारना, समझा क्या? ऊंची डकार भी ऊंची आ रहा है। तो नाजायज जी, हमारे दर्शकों के कुछ सवाल हैं आपके लिए, क्या आप उनका जवाब देना चाहेंगे? ऊंची बोलते बेटा, ऊंची। अरे जो सवालों की धार से डर जाओ, मैं नहीं जवाबों की ढाल ले गए। आओ बेटा। अरे गालिब से मरवा क्या हो क्या यार, सीधा सीधा जवाब दो ना। हाँ ना, ये तो की ढाल। तो अपना पहला सवाल है धरावी से असलम शेख का। ये पूछते हैं कि बड़वे मेरे पैसे कब लौटाएगा, साले उठाई गिरे। भाई दूसरा सवाल पूछते हैं ना आपसे। हाँ कोई और सवाल? अच्छा चलो दूसरा सवाल। ये सवाल है दिल्ली से पूरब झा का। ये पूछते हैं कि भाई कैरी से खा लिया, अब मुझसे भी फेम खाएगा। ए बेटा, वो कहावत तो सुनी रही होगी ना, हाथी चले बाजार, वो कुत्ते भोंके हजार। तो इसलिए आप भोंक रहे हैं? ऊंची लोग आती है और ये सारे सब है कुत्ते। क्या बेटा पूरब, हाँ बच्चा बन के पब्लिक को क्या चूतिया समझाया गया? कान में मूते का क्या शाने? पहले तू सार्स का चूसा, फिर अब तू कैरी का चूसा। क्या बे ओची लोग बन ओची, हम नहीं चूसते किसी का, फ्री में पूरे 150 रुपये लेते हैं। 150 ओची बोलते बेटा, हाँ ओची। भाई को ना किसी से फेम खाने की जरूरत ही नहीं है क्या? भाई ने बहुत इज्जत और बहुत फेम कमाया है फिटनेस इंडस्ट्री से। फिटनेस हाँ, तो भाई ने बहुत सारी ओवरवेट और अनफिट औरतों को फिट किए ले, मालूम क्या? क्या yes, आपके जिम विम भी है? नहीं रे, ओपन में वर्कआउट। क्या है ना कि जब भी मैं ऐसे रोड पे निकलता हूँ ना, वैसे सारी औरतें मेरे को देख के भागने लग जाती हैं और अपनी आसपास वाली औरतों को भी मोटिवेट करती है कि भागो भागो। चले 2 महीने में ना 40 औरतों को भागने की आदत डाली है मैंने। ओ भाई, तो लग रही थी वो भी मेरे को देख के भागने लग गई। यू सबका वेट कम किया भाई ने। अच्छा, मालूम क्या, हमारे एरिया की जितनी भी माताएं बहने ना भाई की ना बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करती है, दिल से, फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हैंड। और ना भाई को तो कुछ इंग्लिश में कुछ करके बोलती वो। हाँ भाई आपको मालिश बोलती वो? मालिश नहीं बेटा, वो मोलोटोव नहीं, मशरूम बोलती, मशरूम नहीं नहीं, मालदीव्स, मालदीव्स मसाला बोलती भाई, मसाला कुछ और बोलती। मल्लू अंटे नहीं, मंडप मंडप मोलेस्टर। हाँ यही
ओची मोलेस्टर बेटा, ओची मोलेस्टर। वो बोलना नहीं चाहिए मेरे भाई, कट कर दो। और तो क्या ही बोलना है? ओची बोलते बेटा, ओची ओची नाजायज जी। सुनने में आया आपकी एल्विश और रजत से कोई बहस हुई है? हुई है ना बहस, सीधा कर दिया मैंने इनको। ये अपना ये एल्विश और रजत माफी मांगे मुझसे। अच्छा, कहते आप ऊंची हो, हमसे गलती होगी कि आपके रास्ते का पत्थर बन गए हम। कब? पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती, पत्थर पे पत्थर मारे तो चिंगारी निकलती, और कोई नाजायज भाई को मारे तो पूरी गैंग निकलती। सुना चॉकलेट मिंटल बोलते। पर वो कह रहे हैं कि इस बात में कोई भी सच्चाई नहीं है। अरे ऐसा कैसा देख क्या ना बेटा, कौन है जा देख क्या, ऐसे कैसे क्यों सच्चाई नहीं है? 100% सच्चाई है। वो कह रहे हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। भाई डॉक्टर आए ले आपका रिपोर्ट लेके। अरे देना 2 मिनट, मैं इसको बता रहा हूँ कि एलवी सर जितने माफी मांगी मुझसे। डॉक्टर बताओ ना इसको, ये सच नहीं है। नाजायज तुम्हें एक बीमारी है, तुम्हारे दिमाग में एक बीमारी है जिसका नाम है स्किज़ोफ्रेनिया। इस बीमारी के तहत इंसान उल्टे सीधे सिनेरियो बनाता है और उन्हें सच मान लेता है। क्या कुछ भी बोल रहे हो डॉक्टर, क्या बातें बना लूंगा दिमाग में। नहीं अभी तुम कह दोगे आलिशान घर भी बस मेरे दिमाग में है, असल में तो हम किसी गैराज में बैठे हैं। सच्ची में गैराज में बैठे हैं? कुछ भी बोलेगा क्या? ये पिज्जा, ये गार्लिक ब्रेड, क्या दिमाग में है क्या मेरे? ढाई करोड़ का बेशुमार झूमर दिमाग में है क्या मेरे? ये बेटा ये 6 लाख की इम्पोर्टेड दारू, क्या दिमाग में क्या मेरे? ये पागल रोकी से। वही तो मट्टी बोलते हो अच्छे। काही मोठा करायचे, काही बोल्ड करा। यार नान 0000007 नंबर क्या लगा रहा है पीछे? अरे बस्ती का पिन कोड है। नजाय जी आप इतने साल से इंडस्ट्री में हो, क्या लगता है आपको कौन दोस्त हैं आपके? कोई नहीं है। वो क्या है ना कि अपन काफिलों में चलने वाले नहीं हैं, अकेले तूफान लेके आने वालों में से हैं। बेटा जिस दिन तूफान लेके आऊँगा ना मैं। अबे इतना गांडू क्या बनता है, मिलता हूँ रात को। आ मत जाइयो, मारूंगा। ऐसे मारा क्यों? भाई लोग अपने वो ग्रीटिंग करने का तरीका है इनका। अच्छा ओके, बहुत सही है। तो आपको नहीं लगता आप में थोड़ी एटीट्यूड प्रॉब्लम है? बेटा जब नाम बड़ा होता है ना तो एटीट्यूड रखना पड़ता है। मैं वो आदमी हूँ जो 7 साल से सलमान भाई के पास नहीं गया हूँ। मेरा भाई है वो, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन फिर भी नहीं गया मैं। सलमान भाई आप उनके पास भी नहीं गए? क्यों नहीं गए? वो मेरे को मालूम पड़ा भाई ने तो कुत्ते पाल लिए। अरे जब मैं हूँ तो कुत्ता पालने की क्या जरूरत है? आज भी मेरे को दर्द होता है, मालूम है कितना बुरा लगता है मेरे को, मालूम है क्या? भाई 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 खुद को संभालो भाई, भाई पता है ना आपको कौन हो भाई? ओची भाई, ओची ओची बस हो गया ना भाई। दानिश भाई नहीं है क्या? नहीं भाई वो तो छुट्टी पे है। दानिश भाई होते ना, क्या है दानिश भाई रहते ना आज क्या बढ़िया कटिंग करते। खैर तू बता शैम्पू कंडीशनिंग कर देगा क्या? फुल दबा के भाई, जा करके आ जा जल्दी। ओके भाई। तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? आपका कोई नया प्रोजेक्ट या कोई बड़ा काम देखने को मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा ना, ओची लोगों की ओची वेब सीरीज आ रही है बहुत जल्दी। क्या खतरनाक गैंगस्टर सीरीज है, क्या बोलूं भाई मैं। हाँ और मालूम क्या भाई, उसमें क्या काम के लिए, एकदम बाप काम के लिए, बाप टॉप क्लास का, बोले तो ओची काम। ओची 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 तो किस टाइप का कैरेक्टर होगा आपको, क्या कैसा देखने को मिलेगा? ओए
सुन बे, आवाज में दूंगा ऑटोग्राफ, डायलॉग बताने आया हूँ। बता। ये रहे तेरे डायलॉग। तो बेटा इतने सारे डायलॉग कैसे याद करूंगा मैं, थोड़े कम करना बेटा। एक्टर आएगा, तुझे गोली मारेगा, तुझे मरते हुए ये डायलॉग लेना। आ वो जितना चलो एवरीवन पोजीशंस कम ऑन। और क्या, चल चल। बोलना इम्प्रोवाइजेशन कर लूँगा एक दो डायलॉग की। ये स्पॉट है यहाँ से ना, हिलियो मत, और ये ग्लास लेके खड़ा हो जा, जैसे एक्टर गोली मारेगा पड़ जियो। ठीक है ठीक है। पानी मिलेगा क्या? पानी चाहिए से। अरे मेरा भी कर दो ना थोड़ा चमका। ये क्या था भाई? सेट क्लियर कम ऑन। शा ओके लाइट्स कैमरा एक्शन। देख छोटे बेचकस तेरा नट ढीला करने कौन आया है? बेटा काय को मारा मेरे को, ऊंची लोग हैं हम ऊंची। ए कट 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 कट, क्या हो रहा है ये? क्या इंप्रोवाइज किसने करने बोला? फिर से लेंगे, चल। सॉरी सर, सॉरी सॉरी सॉरी। हां वो एक बार फिर से करते हैं। वन मोर एंड एक्शन। देख छोटे बेचकस तेरा नट खोलने कौन आया है? ओए ओए क्या गांड पे लगी है गोली? सीने पे लगी है ना, फील क्या ले रहा है? अरे वन मोर एंड एक्शन। ओची कट। ओ गिर नीचे गिर गिर यार। एक्शन। अबे इसको गन किसने दिया? तूने दिया ना गन, तूने दिया ना। कट एक्शन। ओ चीक टपाक डम डम। कट। अरे मर 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 गिर 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 जा। गिराओ साले को मारो। अबे गिर जा। एक्शन। तू उठा गया से साले, उठा गया से, तू मर गया था ना, मर गया था ना, मर गया था। अरे सर पुनर्जन्म, अभी मैं क्या करूंगा ना, जिंदा होके अपनी मौत का बदला लूंगा हीरो से। क्या भंकास आइडिया है ना, बिल्कुल ओची बोलते बेटा ओची। निकाल निकाल निकाल। बाय साहब, बहुत ज्यादा डेंजरस भाई यार। मैं ये सोच के मैं एडिटिंग कर रही हूँ जो ओरिजिनल वाले हैं, इतना सब कुछ रोस्ट तो फुलॉन रोस्ट नहीं फ्राई किया है हर्ष बेनीवाल ने, वो भी इतने डेंजर तरीके से पीछे से आकर टपले मार के चला गया है भाई यार उसको। That one was insane। और आलीशान घर में बोल के गर्राज में बिठा के ये क्या हैलुसिनेशन सो रहे हैं मेरे को नहीं पता, लेकिन द बेस्ट था ये वाला पार्ट तो। ओह माय गॉड, अभी इसके आगे और फिर क्लाइमैक्स भी है लास्ट पार्ट वाला, हम देखेंगे नेक्स्ट में क्या होगा। सो या दैट इज इट फॉर टुडे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर देना, नीचे कमेंट करके बताना कि कैसा लगा, और आपको ऐसे और वीडियोस चाहिए वो भी कमेंट करके बता दो, इस वीडियो को शेयर कर दो, नीचे दिए गए व्हाइट सब्सक्राइब बटन को वो भी क्लिक कर देना, और मेरा इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया, सो प्लीज़ फॉलो दैट टू। थैंक यू।